हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अपनी फेवरेट पाठशाला सोनालिका ई गुरुकुल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं गूगल द सर्च इंजन के बारे में। अच्छा बच्चों, जब भी आपके मन में कोई सवाल आता है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है या आप किसी से पूछते हैं तो वो आपको फास्टेस्ट वे में आंसर करने के लिए क्या कहते हैं, जैसे कि अमेरिका की पॉपुलेशन क्या है, वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं, क्वीन एलिजाबेथ की दादी का नाम क्या था, इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था, इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है, अंटार्कटिका में इस समय क्या टेम्परेचर हो रहा है। ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है, चलो यार गूगल पर ढूंढ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, आज जानते हैं दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन, दुनिया भर के सवालों के जवाबों के खजाने के बारे में, जिसका नाम है गूगल द सर्च इंजन। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि ये WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज के दौर में पूरी दुनिया इंटरनेट के द्वारा आपस में कनेक्टेड है, और इस कनेक्शन को हम ग्लोबल कनेक्शन या कनेक्टेड वर्ल्ड भी कह सकते हैं। पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करने का बेसिक पर्पस है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का आदान प्रदान। और सूचना के इस आदान प्रदान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये दो चीजें। नंबर वन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी जगह जहां ये इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सके या रखी जा सके। और दूसरी है टू गेट द इंफॉर्मेशन, यानी जिसे भी इस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन की जरूरत हो वो इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सके। इसी ग्लोबल कनेक्शन फॉर इंफॉर्मेशन को वेब कहा जाता है। वेब यानी जैसे मकड़ी के जाले की तरह ही पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का अलग अलग कोना आपस में वेब की तरह इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है। इसीलिए इंफॉर्मेशन के इस भंडार को वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW कहते हैं। चलिए इसे एक बड़े ही सिंपल शहर के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शहर है, उसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और उन बिल्डिंग्स में बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं। इसी के अंदर शहर को हम मान लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्डिंग्स को हम मान लेते हैं वेब एड्रेस यानी वेबसाइट, और लोग यानी इंफॉर्मेशन जो आप ढूंढ रहे हैं। मतलब इस शहर में आप लोगों को उनकी बिल्डिंग के एड्रेस के जरिए ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब हुआ वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो अलग अलग वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। इन वेबसाइट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन डालता है यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है उन्हें वेब होस्ट कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सर्च इंजन के बारे में। तो बच्चों, जब भी आप कोई सवाल या किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं तो सर्च इंजन एक ऐसा टूल, एक ऐसा माध्यम होता है जो आपको ये बताने में हेल्प करते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर यानी आपकी इंफॉर्मेशन कौन सी वेबसाइट पर मिल सकती है। चलिए ट्राई करते हैं। आप सर्च इंजन से पूछिए हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सर्च इंजन आपको अलग अलग वेबसाइट्स का नाम दिखाएगा जहां पर आपके इस सवाल का जवाब मिल सकता है। अब आप अगर सर्च इंजन के बारे में समझ गए हो तो आइए जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन गूगल के बारे में। तो बच्चों, साल 1998 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गी ब्रिन को एक ऐसा आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा सर्च इंजन बनाया जाए जहां इंफॉर्मेशन सबसे फास्टेस्ट वे में स्टोर की जा सके और पूछने पर रिसीव भी की जा सके। और तभी जन्म हुआ गूगल का, जहां दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को वेबसाइट्स के जरिए लिया और दिया जा सकता है। अच्छा बच्चों, क्या आप जानते हैं कि गूगल इतना कामयाब क्यों हुआ एज अ सर्च इंजन? क्योंकि गूगल में लोगों की डिमांड, उनकी सहूलियत, बदलती दुनिया की जरूरतों के हिसाब से कई बदलाव किए गए और इसमें नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस भी किया गया। जैसे कि साल 2011 में गूगल के अंदर वॉइस सर्च इंट्रोड्यूस किया गया, जहां आप केवल बोलकर अपना सवाल गूगल से पूछ सकते हैं और गूगल आपको रिलेटेड वेब लिंक्स प्रोवाइड कर देता है। गूगल दुनिया भर में बोले जाने वाली कई लैंग्वेजेस में भी काम करता है ताकि हर जगह, हर प्रांत, हर गांव के लोग इंफॉर्मेशन सर्च कर सकें। आज की डेट में गूगल सर्च इंजन पर इंफॉर्मेशन ओवरव्यू, इमेजेस, वीडियोस, लोकेशंस, वेबसाइट्स और बहुत सारे लिंक्स भी अवेलेबल हैं। आप जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहते हैं गूगल आपको प्रोवाइड कर सकता है।
आइए अब जानते हैं कि इसका नाम गूगल कैसे पड़ा। गूगल GOOGLE, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। लेकिन इसकी असली इंस्पिरेशन थी वर्ड गूगल, जिसका मतलब होता है 1 के आगे 100 बार 0 लगने के बाद मिलने वाला नंबर, लगभग इन्फिनिटी। क्योंकि गूगल पर आपको सर्च करने पर अनगिनत रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो बच्चों, गूगल पर सोनालिका ई गुरुकुल जरूर सर्च कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूनिक टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें सोनालिका ई गुरुकुल के साथ।